तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा एंट्री किस तरीके से करेंगे उस चीज को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा इस तरह का कैप्चा एंट्री आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं TD4EVA, अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में आप लोगों को लिखना होगा, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में आप यहाँ पे टाइप करेंगे और योर आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योर आंसर, यहाँ पे आप इसी चीज को यहाँ पे टाइप करेंगे। और दूसरा है टाइप करेक्ट कैप्चा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह का कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला कैप्चा आप लोग देख सकते हैं, इस कैप्चा को भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ध्यान से समझिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सही तरीके से करना होगा। अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल में आप टाइप करेंगे। इसी तरीके से ये तीसरा कैप्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाउ कैप्चा वर्क्स, आप लोगों को यहाँ पे इसी चीज को आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना होगा। HOW, देखिए कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यही वर्क आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा, इस तरीके का ही कैप्चा आप लोगों को मिलेगा, यही वर्क आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। सिंपल आप लोगों को कैप्चा को फिलअप करना है, एक कैप्चा को अगर आप फिलअप करते हैं तो आप लोगों को ₹5 अर्न होगा, ये बात याद रखिएगा, ₹5 आप लोग यहाँ पे अर्न करेंगे एक कैप्चा फिलअप करने का। तो इसी तरीके से अगर आप दिन में 100 कैप्चा भी फिलअप करते हैं, लेकिन सही होनी चाहिए, ये चीज याद रखिए। अगर कैपिटल है तो कैपिटल में आप टाइप करेंगे, स्मॉल लेटर है ये जैसे कैपिटल है ये स्मॉल है तो स्मॉल में करना होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करके पैसे को ऑन करेंगे, देखिए वो भी आप अपना पेटीएम में, गूगल पे, फोन पे, बैंक में, कहीं पे भी आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। अब इसके लिए ये वर्क आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को पेमेंट प्रूफ भी शो करूंगा, आप लोगों को पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा, जो मैंने यहाँ से ऑन किया है कैप्चा वर्क से वही पेमेंट प्रूफ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को मैं पेमेंट प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं योन ढकाल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कैप्चा एंट्री वर्क के बारे में बताऊंगा जहां पे आप कैप्चा को फिलअप करके ₹5 अर्न करेंगे, यानी कि एक कैप्चा का आप लोगों को ₹5 मिलेगा। यहां पे आप लोग, मैं आप लोगों को पेमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ, इसी वर्क से मुझे मिला हुआ ये पेमेंट प्रूफ है। तो आप लोग भी यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर काम करते हैं तो अच्छा खासा आप यहाँ पे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए एक एक स्टेप में इस वर्क के बारे में बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस तरह के इंटरफेस पे पहुंचेंगे, आप लोगों को यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा वर्क, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स रहेगा, 1000+ वैकेंसीज यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, 30,000 पर मंथ आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को ध्यान से देखिएगा, कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप करेंगे यूअर नेम, आपका जो भी नेम है यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर आपको यहां पे डालना होगा, सही मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालेंगे, क्वालिफिकेशन आपका जो है वो क्वालिफिकेशन आप यहां पे डालेंगे, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, 12th, 11th, 10th जो भी है डालेंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम यहां पे डालेंगे, सेलेक्ट वर्क टाइप, यहां पेपर वर्क करना चाहेंगे या कैप्चा एंट्री, कैप्चा एंट्री पे आप सेलेक्ट करेंगे, पेपर वर्क लिखा गया है इस पे आप यस लिख देंगे, कैप्चा एंट्री है इस पे भी आप यस लिखेंगे, वर्क नंबर ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि वर्क नंबर क्या चाहिए, ये मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वर्क नंबर आप लोगों को दूंगा, वही वर्क नंबर आपको यहां पे डालना होगा। एनी एक्सपीरियंस में यस करेंगे, एक्सपीरियंस यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आप 1 ईयर्स आप यहां पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, 1 ईयर्स यस ईयर आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। इसके बाद आपको अपना जो एज है यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट का बटन दिखेगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो आइए मैं नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद फिर पेज खुलेगा, दूसरा पेज, वहां पे भी आपको कुछ फिलअप करना है, वो भी हम फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रिज्यूम लिखा गया है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को अपना नेम देना होगा, पूरा नाम देंगे आप यहाँ पे, फादर्स नेम देंगे, पिता का नाम, मदर्स नेम, माँ का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन जो है, जो आपने पहले फॉर्म फिलअप करते वक्त जो क्वालिफिकेशन डाला है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डालेंगे, लास्ट ईयर परसेंटेज 78% 80% आप ऐसा मेंशन करेंगे, स्किल्स में आपके पास जो स्किल्स है वो डालेंगे, हॉबीज जो आपका हॉबीज है वो डालेंगे, आर यू इंटरेस्टेड इन कैप्चा पेपर वर्क आप लोगों को यस में टिक करना होगा, आर यू इंटरेस्टेड इन कैप्चा एंट्री वर्क इसमें भी आप यस में टाइप करेंगे, टाइपिंग स्पीड आप लोगों को 60% से ऊपर आपको यहाँ पे 60 वर्ड पर मिनट से ऊपर आप यहाँ पे मेंशन कर
देंगे टाइपिंग स्किप स्पीड, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद अब आप लोगों के सामने विड्रॉ सेक्शन आ चुका है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग विड्रॉ सेक्शन, जहाँ पे आपको विड्रॉ लिमिट ₹1 से लेकर ₹1000 पर डे आप विड्रॉ कर सकते हैं, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को चूज पेमेंट मेथड, अब आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट मेथड को चूज करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, कहीं से भी आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं, जो आपके सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इंटरनेशनल वर्कर्स, भारत से छोड़कर किसी दूसरे कंट्री से अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वायर ट्रांसफर, पेपल, अमेजन गिफ्ट कार्ड, कहीं से भी आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड आपने अगर सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, नेक्स्ट पे हम ऐसे क्लिक करेंगे। देखिएगा जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट रहेगा, ये देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को एक टेस्ट रहेगा, इस टेस्ट को आपको पास करना होगा। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूं, इस तरह का कैप्चा मिलेगा, यहां पे कोई मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपका यहां पे मिस्टेक हो जाता है ये टेस्ट देते वक्त, तो आप लोगों को कोई भी मेल नहीं आएगा, फिर आपको दूसरी बार ट्राई करना होगा। इसीलिए ध्यान से इसको फिलअप कीजिएगा, ये चीज जो है इसको ध्यान से फिलअप कीजिएगा, जो भी है सही टाइप करना होगा आप लोगों को। TD4EVA कैप्चा 246 और दूसरा है हाउ कैप्चा वर्क्स, ये सही तरीके से आप योर आंसर के जगह पे इसको टाइप कीजिएगा, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आप लोगों को देखिए अगर आपने ये टेस्ट सही तरीके से दिए हैं, अगर आपका टेस्ट सही हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे मेल चला आएगा 24 घंटे के अंदर, और उस वक्त आप लोगों को वर्क भी यहाँ पे मिलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आना है वर्क फ्रॉम होम कोड, यहाँ पे भी एक कोड लगेगा जो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दोनों कोड, वर्क कोड और वर्क फ्रॉम होम कोड, दो कोड आप लोगों को लगेगा, दोनों कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो कोड को डालने के बाद ही आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तभी आप लोगों को ये जॉब मिलेगा और आप सही तरीके से यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो सबमिट का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, पूरा फिलअप करने के बाद सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे, आपका ये सबमिट हो जाएगा और डेफिनेटली आपको यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे, अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे वर्क मिलेगा। जो आप लोगों को टेस्ट बताया गया है वो टेस्ट भी आप सही तरीके से देंगे, तभी आप यहाँ पे अच्छा खासा वर्क पा सकते हैं और पैसे को, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।